गांव हसनपुर में बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई भगवान परशुराम जयंती। जिले के गांव व खंड हसनपुर में भगवान परशुराम सेवा समिति के युवाओं द्वारा पहली बार बड़ी धूमधाम के साथ जयंती मनाई गई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के माट विधानसभा के अत्याधिक प्रिय विधायक श्याम सुंदर रहे। विशेष अतिथि के रूप में वाई के शर्मा अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट पलवल रहे। मान्य पलवल में तुईराम भारद्वाज, शब्बू पहलवान, गिरिराज शर्मा, जगदीश सुपन्या, सुरेंद्र वशिष, कुलदीप कौशिक और काफ़ी संख्या में मान्य की मौजूदगी में विधायक श्याम सुंदर ने हसनपुर ब्राह्मण चौपाल में मौजूद भगवान परशुराम की प्रतिमा का रिबन काटकर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर परशुराम सेवा समिति होडल ब्राह्मण समाज से काफ़ी संख्या में गांव की सरदारी भी उपस्थित रही। विशेष रूप से पंडित पत्रलाल पन्नालाल ने विधायक श्याम सुंदर का फूलमालाओं से व पगड़ी बांधकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। इस सभा मान्यों में अपने अपने विचार रखे। विधायक श्याम सुंदर ने भगवान परशुराम व ब्राह्मण समाज के बारे में विस्तार से बतलाया और कहा, इस तरह के प्रोग्रामों में वे समाज की भलाई के लिए वो सदैव खड़े रहेंगे। बाद में समिति द्वारा गांव हसनपुर व सैरौली में भगवान परशुराम की भव्य झांकी शोभा यात्रा निकाली गई। मन संचालन पंडित रोहतास शर्मा अच्छे जाने किया। मामा, इसका मतलब अंदर ही अंदर हमारी जन चेतना कम होती जा रही, विलुप्तीकरण हो। यदि मेरा आग्रह स्वीकार कर सकते हो तो तुम्हारी वाणी में जितना तक हो और इसी उद्घोष के सहारे हम अपनी वैतरण्य भी पार कर सकते, ऐसा श्याम सुंदर शर्मा का यकीन और विश्वास। मैं ढेर सारा साधुवाद आपको करूं, एक से एक विद्वान प्रज्ञा के धरोहर, रचना के पुजारी, निर्माण के भागीरथी। लोगों का आदर्श जो वर्चस्व है वो हम सभी को साथ लेके चले, सभी को समाज में एकजुट होके हमारे समाज की कोई प्रगति हो, हमारे समाज का विकास हो, इसी कामना के साथ में मैं एक बार बोलना चाहूंगा, भगवान परशुराम की जय। आज के दिन उनको हम याद करते हैं, साथ ही हमारी ये ड्यूटी और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके बताए हुए आदर्शों पर चले। बहुत सारी बातें आपको हमारे बुजुर्गों ने भी कही है, मैं ज्यादा बता नहीं हूँ और मैं ज्यादा भाषण भी नहीं दे पाऊंगा। बस मैं इतना बोलूंगा कि भगवान परशुराम के जो आदर्श थे उन सबको हम अपने जीवन में आत्मसात करें। एक युग आज अलग है, भगवान परशुराम का युग अलग था, मगर आज की जो उनके सार्थक जो